उन्हें समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के लोगों को नफरत है बिहार से। कभी भी बिहार के हित की बात वो नहीं करते। 8 मंत्री लेना ही नहीं चाहिए था। पहले नीतीश बाबू समर्थन देने के पहले विशेष राज की बात करनी चाहिए, दो विशेष पैकेज दो, बाढ़ से मुक्ति के लिए हाइड्रेन दो, सीमांचल कोसी में बन पड़े फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज दो, मिथिला में मखान और मक्का की फैक्ट्री के लिए पैकेज दो, अग्निवीर के लिए पुनर्विचार करो। जो कांग्रेस और नीतीश कुमार राजद के गठबंधन की सरकार का जो दो ड्रीम था, एक था 69% ST SC OBC का आरक्षण जो लागू किया गया, और जो राहुल गांधी जी का बड़ा सपना है जाति जनगणना, उसको पहले आप लागू करवा, आप महासदी के नायक हो जाते। क्यों मंत्रिमंडल में बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ किया, उसके जनभावनाओं के साथ खिलवाड़, बिहारी फर्स्ट, फर्स्ट बिहारी क्या हो गया, कहाँ चले गए? जो लोग बिहार बिहार करते थे, कौन सा मंत्रिमंडल मिला? ये कोई मंत्रिमंडल है? आप बताइए, मोदी जी की सरकार तो अब रही नहीं, अब NDA और अनुकंपा की सरकार है। देखिए, प्रियंका जी की गंभीर चिंता थी खड़गे जी की, कि हम लोगों ने सोचा था उत्तर प्रदेश से ज़्यादा रिजल्ट बिहार हो, ये हो क्या गया? तो सारी बातें हुई, सारी परिस्थिति पर चर्चा हुआ, आधे आधे घंटे चर्चा हुए। अब जाने के बाद आदरणीय नेता राहुल जी से मिलेंगे तो फिर बैठ के कांग्रेस संगठन पर विस्तृत चर्चा करें। किस तरह से सर संगठन को लेकर अभी आपने बताया? सर, कटिहार ही नहीं है, पूरे बिहार के कांग्रेस का जो आम लोगों से लगाव था, और जो 40 सालों में कुछ नेताओं ने जो बिहार के ख़त्म किए, जनता से कटिहार का लगाव हर उस जाति धर्म वर्ग से मैं जोड़ूंगा जो बिहार के लिए नया सपना दिख रहा है, और जो बरसों से चंडाल चौकड़ी के चारों तरफ जो बिहार की बर्बादी हुई है, कांग्रेस ही एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा विश्वास जिसमें ना कोई कास्ट है, ना कोई धर्म है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना कोई बैकवर्ड है, ना फॉरवर्ड, सभी जातियों का प्रतिनिधि और हिस्सेदारी, भागीदारी कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में। पहला आवाज उठेगा लोकसभा में, और ये जो रिजल्ट घटना घटी है, इसमें यह संस्था ही जैसा जी की है। हम JPC की मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग करेंगे, और नीट्स का एग्जाम हो, लेकिन प्राइवेट किसी भी कीमत पर किसी भी संस्थाओं के द्वारा ना, इसको ख़त्म करने की मांग करेंगे। पूरा बच्चा बर्बाद हो गया, और 4 तारीख को रिजल्ट देना ताकि लोगों के बीच ये ना जाए, 68 बच्चा की मार्किंग एक ही, एक हॉस्टल में रहने वाले 12 बच्चा को एक ही मार्क, बारे बा क्वेश्चन आउट करके निकल जाना। क्वेश्चन आउट ना हो इसके लिए पप्पू यादव सदन नहीं चलने देगा, ये मैं वादा करूँ। आत्मनिर्भर बनाने वाले